अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या भारत मुसलमानों की जुबा का बदने जा रहा है? यह सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे बल्कि पूरी दुनिया में इस पर तस्करे जारी है। कल 26 जनवरी है और यौम जमहूरिया पूरे देश में मनाने की तैयारी जारी है, पर सवाल उसी जगह पर आकर रुकता है कि क्या भारत वाकई गणराज्य से नस्ल कुशी की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है? और इसमें सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी ऐसे खामोश है जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने इसे यानी नस्ल कुशी या फिर मुसलमानों के कत्लेआम की हिमायत कही है, क्योंकि मुल्क के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा शख्स अकलियतों के नस्ल कुशी पर खामोश बैठे, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर दुनिया भर में इस बात को लेकर इतना तस्करा क्यों किया जा रहा है? आखिर इस बात में इतनी संजीदगी को बाहरी मुल्कों में क्यों लिया जा रहा है, जबकि भारत में सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के किसी भी सियासी पार्टी ने खुलकर मुखालफत नहीं की है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस या बहुजन समाज, आम आदमी, जेडीएस, राष्ट्रीय जनता दल, सभी पार्टियां वजीर आजम मोदी की तरह खामोश रही और ये बात सबसे खतरनाक मानी जा रही है। और बार बार तस्करे और सवाल किए जा रहे हैं, क्या कभी भी भारत में मुसलमानों के साथ कुछ भी हो सकता है? ऐसा लगता है कि कहीं विपक्ष को या दिगर सियासी पार्टियों को हिंदू वोट बैंक खिसकने का डर लगता है, और शायद इसी डर की वजह से खुलकर शिद्दत से मुसलमानों के कत्लेआम पर कोई बोलना नहीं चाहता, और यही इनके खामोशी दिल में शक पैदा करने के लिए काफी है। अमेरिका के जेनोसाइड वॉच ऐसी एजेंसी है जो दुनिया भर में धर्म, जात पात, रंग, नस्ल को लेकर अपनी नजर बनाए रखती है, और आने वाले दिनों में कहां कत्लेआम हो सकता है या नस्ल कुशी या फिर नरसंहार कही है, इस पर पेशेंगोई भी करती है। जेनोसाइड वॉच के बानी ग्रेगरी स्टेंटन ने भारत में मुसलमानों के कत्लेआम का डर जाहिर किया। एक लंबे अरसे से मुसलमानों को लेकर मीडिया, सियासी पार्टियों ने एक धर्म को लेकर जो नफरत का जहर पैवस्त किया है, जिसका डर महसूस किया जा रहा है, और बड़े फसाद के जरिए इन मंसूबों को अंजाम देने का शक भी जेनोसाइड वॉच ने बताया। मुल्क का संविधान आईने हिंद नाफिज होकर 72 साल हो चुके हैं। भारत के शहरियों की और खासकर मुसलमानों की बदनसीबी ही कह सकते हैं कि ये जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर जिस डर का तोहफा दिया जा रहा है, और इन बातों पर यानी नस्ल कुशी पर तस्करे करने की नौबत आई है। दिसंबर 2021 को हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से मजहबी इजलास हिंदुत्ववादियों की जानिब से किया गया। कई दिन तक इन्हें खुला छोड़ दिया गया। जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहरीले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी करने तक इंतजामिया कितनी मजबूर है, इसको भी महसूस किया गया। लिहाजा इसके बाद जितनी भी भाजपा इख्तदार पजीर रियासतें हैं, मुसलमानों को लेकर नफरती वारदातें पेश आई, वाकई ये सब सोचने पर मजबूर कर देती। जिस आईने हिंद ने तमाम मजहब के लोगों को मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया था, भले तहजीब मुख्तलिफ है, इबादतों के तरीके अलग है, खाने पीने, रहने, जिंदगी गुजारने का तरीका अलग होने के बावजूद भी संविधान ने सभी को मिलजुल कर रहने का बेहतरीन तरीका बताया, और पूरी दुनिया में इसीलिए तो भारत की तहजीब को सराहा जाता है, क्योंकि जितनी भाषाएं तहजीब भारत में पनपती है उतनी कायनात में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अब संविधान को बदलने वाली ताकतें, गांधी की जगह गोडसे को पूजने वाली पार्टियां, पूरे देश को भगवा रंग में रंगाने का आज़म लेकर इख्तदार तक का रास्ता तय करते हुए नस्ल कुशी का रास्ता भी अख्तियार किया जा सकता है। ये डर कहीं हकीकत की राह तो अख्तियार नहीं कर रहा है, ऐसा सवाल भी समाज में पूछे जाने लगे। पर क्या इनकी आवाजें क्या आवाम के जहनों को बदल सकती है, ये भी उतना ही सच है। मरकज में करीब 8 सालों से कट्टर हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कट्टर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने हुए। यह हिंदुत्ववाद अपने भीतर फासीवाद को समेटे हुए है और इस्लाम मजहब व मुसलमान इसके असल निशाने पर है। बुजुर्ग साफी करण थापर ने बातचीत में नसीरुद्दीन शाह ने इस बात पर गहरी मायूसी जताई थी। हरिद्वार ऐलान के मद्देनजर वजीर आजम ने कोई कार्रवाई नहीं की और वह पूरी तरह इस मसले पर खामोश रहे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान खुलेआम करने के बावजूद वजीर आजम मोदी की चुप्पी से लगता है कि वह मुसलमानों के कत्लेआम की हिमायत कर रहे हैं। आगे नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इस ऐलान के बाद मुसलमानों में गहरा खौफ व अदम तहफुजात का एहसास पैदा हो गया और इससे खाना जंगी यानी गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। 26 जनवरी, संविधान, मुल्क का आईन उन लोगों से ही खतरे में है जो इस मुल्क का आईन ही बदलना चाहते हैं, और ये जंग संविधान खत्म करने वाले और संविधान बचाने वालों के दरमियान है। नस्लकशी की बात करना इस मुल्क के संविधान को ही खत्म करने के बराबर है। लिहाजा संविधान को खतरा इन्हीं हिंदुत्ववादियों से है जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र के जरिए हिटलर शाही को नाफिज करना चाहते, और सिर्फ यह नहीं और भी दिगर मिसालों को पेश कर सकते हैं।
खासकर अमर जवान ज्योति जो 1972 से जल रही थी, और ये अमर जवान ज्योति उन फौजियों की याद में जल रही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में जीत दर्ज की थी। यानी पिछले 50 साल से ये ज्योति ये लौ जल रही थी, आखिर से भी भाजपा की मोदी हुकूमत ने 50 साल से जलती हुई ज्योति को बुझाकर वार मेमोरियल के नाम पर बदल दिया गया। मतलब भारत के वजीर आजम उन तमाम तारीखी पहचान को, उनकी यादों को आहिस्ता आहिस्ता मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इल्जाम भी लगाया जा रहा है। लिहाजा आज गणतंत्र दिवस यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है, लेकिन क्या यौम जमहूरियत नस्ल खुशी से जिंदा रहेगा? और अजीब बात तो यह है कि मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले मुसलमानों के साथ कैसा रवैया इख्तियार किया जा रहा है? शायद आने वाली सुबह कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा जेनोसाइड वॉच ने जाहिर किया। जरूरत है भारत के तमाम शहरियों को साजिशों के जाल से बाहर निकलकर मुल्क का संविधान जो सभी को मिलजुल कर जीने का पैगाम दे रहा है इसे मजबूती से थामे रहे, वरना यौम जमहूरियत महज रस्मी तौर पर मनाकर कुछ हासिल नहीं हो सकता। कोरोना की खबर अब उतनी ज्यादा दिलचस्प नहीं रही, पर सेहत महकमा की जानिब से बढ़ते मरीजों की तादाद का आंकड़ा बढ़ने की बात कही जा रही है। बेलगाम जिले में आज फिर इजाफा होते हुए 1000 के करीब पहुंचते हुए देखा जा रहा है। कुल आज बेलगाम जिले में 977 पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है। वाजह रहे कि मौसम की तब्दीली की वजह और बढ़ती सर्दी से बुखार खांसी नजला के मरीज तकरीबन घरों में पाए जा रहे हैं। दो दिन तक ठंड कम रही, पर कल से 9 डिग्री ठंडी महसूस की जा रही है। कड़ाके की सर्दी और तकरीबन घरों में बुखार खांसी के मरीजों के मद्देनजर अंजुमन इस्लाम बेलगाम की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप शुरू किया गया। शाम 4 बजे से 10 बजे तक 15 दिन तक मुफ्त खिदमात माहिर डॉक्टरों की निगरानी में अंजाम दिए जाएंगे। वाजह रहे बेलगाम शहर में गरीब तबका काफी है, और बढ़ते अमराज के मद्देनजर डॉक्टरों की फीस अदा करने से कासिर काफी लोग रहते हैं, लिहाजा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से उठाए इकदाम काफी सराहनीय है, ऐसा कहा जा रहा है। मुफ्त मेडिकल कैंप का ऐलान सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ की जानिब से किया गया। कुछ ना कुछ सियासी सरगर्मियां बेलगाम की सियासी गलियारों में देखने को मिलती है, लिहाजा सीढ़ी मामले में अपनी वजारत खोने के बाद रमेश जारकिहोली ने फिर से वजारत हासिल करने की काफी कोशिश की, लेकिन हाथ कुछ नहीं रहा। आज एक बार फिर अपनी भाजपा से वफादारी का ऐलान करते हुए कांग्रेस के 16 एमएलए अपने रास्ते में होने का बयान देकर नया शगुफा छोड़ने की कोशिश रमेश जारकिहोली ने की है। अब इसे सियासी पस मंजर में अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। सभी जानते हैं कि एमएलसी चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मानतेज कवड़कीमठ की शिकस्त को रमेश जारकिहोली जिम्मेदार होने की बात कही जाती है। काफी हद तक भाजपा में रमेश जारकिहोली की इमेज अब ठीक नहीं है, लेकिन किसी तरह अपना बचाव करने की कोशिश और भाजपा वालों को खुश करने का ड्रामा करने का इल्जाम भी रमेश जारकिहोली पर लगाया जा रहा है। इसीलिए हाल ही में उमेश कत्ती के घर पर हुई मीटिंग के दौरान दोनों जारकिहोली भाइयों को बुलाया नहीं गया। ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के बड़े हिमायती होने का दावा कर आखिर में कांग्रेस में वजारत के साथ छलांग लगाने की फिराक में तो रमेश जारकिहोली नहीं है, ऐसा भी सवाल किया जा रहा है। खैर, आज 16 एमएलए कांग्रेस के रमेश जारकिहोली के रास्ते में होने की बात को कुछ लोग क्या 16 एमएलए के साथ खुद ही कांग्रेस में जाएंगे, ऐसा अंदेशा भी सियासी गलियारों में जाहिर किया जा रहा है। बेलगाम जिला पुलिस इंतजामिया के 2 पुलिस वालों को सदर हिंद एजाज से नवाजा जा रहा है। खड़े बाजार पुलिस थाने के सीएचएस शंकर राव शिंदे और डीआर पुलिस के एसआरएससी दस्तगीर मोहम्मद अनिफ घोरी को 26 जनवरी के मौके पर एजाज से नवाजा जा रहा है। कुल रियासत के 19 पुलिस वालों को इनके खिदमात के मद्देनजर एजाजात से नवाजा जा रहा है। बेलगाम शहर को स्मार्ट बनाने की बातें तो बारहा होती रहती है, लेकिन स्मार्ट शहर में ऐसे कई बदनुमा दाग भी हैं जो उमूमन अफसरों के साथ आवाम को भी नजर नहीं आते और आवाम नजरअंदाज करती रहती है, और इन्हें नजरअंदाज करने की आदत है। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर स्पीड ब्रेकर तो लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद जब स्पीड ब्रेकर टूट जाते हैं और इसके नोकेले नट बोल्ट किसी सवारी के लिए जान का खतरा बन जाते तो इसे नजरअंदाज किया जाता है। लिहाजा शहर के कई जगहों पर इस तरह की तस्वीर देखी जाती है, और खासकर जिला कोर्ट के सामने पिछले कई महीनों से आप इस टूटे हुए नोकेले नट बोल्ट सड़क पर लगे हुए देख सकते हैं। रात में कभी कभी गाड़ियों के टायर को लगकर पंचर होने की भी वारदातें पेश आने की बात कही जा रही है। अदालत, डीसी दफ्तर और अंजुमन स्कूल कॉलेज के बच्चे इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं, लिहाजा बड़े हादसे से पहले इसकी मरम्मत करने की मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।